व्यासदेवजी प्रणीत महाभारत अंतर्गत भीष्म पर्व में 23वां अध्याय से लेकर के 40वां अध्याय तक के ग्रंथ भाग को श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। अभी हम भगवद गीता में गीता के चतुर्दश अध्याय में हैं। मधुसूदन सरस्वती के व्याख्यान के अनुसार हम लोग ये देखते हैं, उनको ये कहना है तत्त्वमसि महाभाग का मेरे से तीन पद है, एक तत्पद, एक तमपद, एक अशी पद। पहला 6 अध्याय जो है तमपद की शोधन की, क्योंकि वहाँ पर जीव को लेकर के वर्णन किया गया है, मतलब कर्मयोग और अंतकर्ण शुद्धि अथवा योग अभ्यास के द्वारा अंतकर्ण शुद्ध होने पर जब धीरे धीरे भगवान का मन लगने लगता है तब भगवत तत्व संबंधित विचार शुरू होती है। इसलिए 7 से लेकर के 12 तक के ग्रंथ हमारा तत्पद की शोधन है। शोधन मतलब वहाँ पर शोधन की बात नहीं है, उपाधि के साथ कैसे है, निरुपाधि कैसे है। अब जो है तम पद में तो आपने को शोधन की आवश्यकता है, उपाधि के साथ तादात्म्य करते हैं तो उपाधि को दिखाया, उपाधि सही अवस्था क्या है, इसी प्रकार परमात्मा उपाधि के सहित कैसे है, उपाधि रहित कैसे है। तो उपाधि के साथ तो वो चेतन भिन्न नहीं दिखेगा, परंतु उपाधि रहित अवस्था में एकत्व है, और उस एकत्व बोध के लिए ही 13 से लेकर के 18 अध्याय तक है। वहाँ पे जो है क्षेत्र कम चापी माँ विद्धि सर्व क्षेत्र शुभार, जब तक उपाधि के साथ क्षेत्रज्ञ बोल रहे हैं, जब क्षेत्र नहीं होगा तब क्षेत्रज्ञ भी नहीं रहेगा, परंतु कोई तत्व वही वही एक तत्व ही रहेगा। तो क्षेत्र और क्षेत्र गुण तो हो जाता है, बस एक तत्व ही रहेगा। अब उस तत्व के बोध में प्रतिबंध क्या है और उस प्रतिबंध को कैसे मिटाया जा सकता है, उसको लेकर के 16, 17, 18 अध्याय वही वर्णन करते हैं। चतुर्दश अध्याय
जो द्वितीय अर्थ है, अगर केवल द्वितीय अर्थ है भगवद गीता का पूरा है, बहुत संक्षेप में बोला, फिर अर्थ प्रश्न करते हैं तो उसका विस्तार करो। वहाँ पे जो 45 नंबर श्लोक में बोल करके आए थे, त्रैगुण विषय विदान निस्त्रैगुण भवाजुग निर्द्व नित्य सत्यस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान, तो वो कैसे व्यक्ति गुणातीत हो सकता है? त्रैगुण निस्त्रैगुण गुणातीत अवस्था में कैसे आ सकता है? तो गुण कैसे काम करते हैं, कौन गुण कैसे मनुष्य को बांधता है, और उस कौन गुण की आर्थिक कथा के किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इस बारे में कथन करके फिर अंतिम में अभी हम लोग वहाँ पे हैं। अब जब भगवान ने बोला कि गुणान एतान अतीत्रही देह समुद्रम जन्म मृत्यु जरा दुख के विमुक्त अमृत असते, है ना, कि गुण के तीन पार जो तत्व है उसको जान करके व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्यति से ऊपर उठ करके अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। तब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कई लिंग स्त्री गुणा नेतान अतीत भवती पर किमाचारेतान गुणा नेतान अति वर्तते, वो जो गुणातीत पुरुष होता है उसके चिन्ह क्या है, लिंग क्या है, उसके आचरण कैसा होता है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न था कि वो गुणातीत होता कैसे है, गुणातीत होने का उपाय क्या है, ये जो है अर्जुन ने तीन प्रश्न पूछा था। तो भगवान ने गुणातीत पुरुष का लक्षण क्या बताया कि वो तीन गुण के काम को शरीर के कार्यकरण संघात में है, आत्मा में नहीं है, अपने को उनकी क्रिया को देखते देखते अवसर करते करते माइंड फंक्शन बॉडी फंक्शन सेंसर करके फंक्शन को देखते देखते वो आप उनके सामने दृश्य हो गया, और मैं दृष्ट है दृश्य के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, फल तो क्या हो गया, कभी शरीर इंद्रियों मन बुद्धि में सत्य गुण भरना रजोगुण घटना अथवा रजोगुण भरना तमोगुण घटना तमो भर गया सत्य घट गया, इससे उनका वो देखता रहता है बढ़ना करना पत्ना चले जाने पर खुश होना अथवा दोबारा आकांक्षा करना अथवा आने पर खुश होना, इस प्रकार के भाव उनके अंदर नहीं रहता, क्यों, जान लिया कि ये जो है ये शरीर इंद्र मन बुद्धि का धर्म है, मेरे साथ उसका संबंध नहीं है। इसलिए बोले थे प्रकाशन च प्रवृत्ति च मोह में बचा बांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता नहीं न कांक्षति निगक्षति, आने पर उसको देश नहीं करता, चले जाने पर आकांक्षा नहीं करता, ये हो गया गुणातीत लक्षण। परंतु मनुष्य लक्षण क्षति बोलते हैं ये लक्षण बाहरी व्यक्ति को समझना मुश्किल, ये केवल अपने आप समझ सकते हैं, कोई हमारे अंदर कौन गुण उद्भूत हुआ उस गुण को मैं किस प्रकार से देख रहा हूँ और वो आगे काम करता है तो मेरा अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है, वो बाहरी व्यक्ति कैसे समझेगा, अब उसका आचरण कैसे है उसको बाहरी व्यक्ति कुछ समझ सकते हैं। आचरण को तीन श्लोक के द्वारा समझाया, उदासीन व आसीन गुणे योना विचार थे गुणावर्तीष्ठति नेते, एक गुणातीत का पहला लक्षण भी आचरण देखा, उदासीन व्यक्ति के तरह रहता है, किसी व्यक्ति की पक्षपातित्व नहीं करता, मतलब कोई अच्छा बुरा भेद नहीं है, और गुण कभी आया तो गया, अच्छा गुण अंदर आया तो भी अच्छा नहीं लगता, अब बुरा गुण आया तो भी कोई बुरा नहीं लगता, अथवा बुरा गुण चला गया तो अच्छा लगता है, ये बात भी नहीं है, गुण के द्वारा वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि इंद्रियां भी त्रिगुणात्मिका है, शरीर भी त्रिगुणात्मिका है, विषय भी त्रिगुणात्मिका है, इंद्रियों की अपने जन्मांतर जो संस्कार के अनुसार प्रत्येक के विषय के प्रति कुछ अपने अपना रुचि है, तद अनुकूल इंद्रियां मतलब गुणा गुणेशु वर्तन्ते, एक गुण से बने हुए इंद्रियां और विषय जो गुण से बने हुए त्रिगुणात्मिका उसके साथ व्यवहार करता है, ऐसा जान करके वो स्थिर रहता है, जो अवतिष्ठति नहीं गते अंदर कोई उसका विकार उत्पन्न नहीं होता, ये होगा उसका पहला आचरण। फिर बोलते हैं सम दुख सुख षष्ठ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिय अप्रिय धीर तुल्य निंदा आत्मसंस्कृति, सुख दुख में समभाव में रहता है, और मिट्टी का ठेला पत्थर अथवा द्रव्य मुद्रा इस सभी में उसका समान बुद्धि होता है, और प्रिय अप्रिय में तुल्य भाव रहता है, और भी बोला कि निंदा और संस्कृति में भी उनके अंदर कोई विकार नहीं होता, इन सभी के पीछे हेतु एक ही बोला, कहते बोला स्वस्थ स्वस्थ, अतएव बोलते हैं सम दुख सुख
क्योंकि वो स्वस्थ है, सच में स्थित है, क्योंकि आत्मभाव में बैठा हुआ है, इसीलिए सुख दुख को देखता रहता है, सुखी दुखी नहीं होता। ठीक है ना। पत्थर पत्थर है, मिट्टी मिट्टी है, सोना सोना है, ये समझता है, परंतु ये नहीं कि पत्थर को सोना समझता, सोना को ये नहीं, पत्थर पत्थर है, सोना सोना है, परंतु इससे हमारी कोई उपयोगिता सिद्ध होने वाला नहीं, क्योंकि आत्मभाव में बैठा हुआ। ठीक इसी प्रकार से प्रिय अप्रिय, मतलब अनुकूल वस्तु की प्राप्ति से प्रियता, प्रतिकूल से अप्रियता, परंतु अनुकूलता प्रतिकूलता की बुद्धि नहीं जाने, क्योंकि हर जगह पे अपने को ही देखता है और अपने आप अपने प्रति अनुकूल होता है प्रतिकूल होता है। मैं हमारे लिए अनुकूल भी नहीं प्रतिकूल भी नहीं, आप अपने लिए अनुकूल प्रतिकूल हो सकते हैं, परंतु मैं अपने लिए ना अनुकूल होता हूँ ना प्रतिकूल होता हूँ। सभी में इस प्रकार आत्मदृष्टि होने के कारण उन्हें अनुकूलता प्रतिकूलता की बुद्धि नहीं होती, फलत क्या होता है कि प्रिय अप्रिय उनके लिए नहीं जाएगा। इसलिए प्रिय अप्रिय तुल्य और भीड़, मतलब ये विवेक जागृत होने के कारण धैर्यवान प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को एक स्थिति में रख सकता है। अंतिम में क्या बोला, तुल्य निंदा आत्म संस्तुति, कोई उनकी निंदा करते हैं कोई उनकी स्तुति करते हैं, उसमें भी वो एक ही भाव पे रहता है, क्योंकि वो जानते हैं, कल मैं बताया था आत्मा के बारे में कुछ बोला नहीं जाता और शरीर जो है हमेशा निंदा स्तुति के योग है, कोई निंदा करता है तो भी स्तुति है, कोई स्तुति करता है तो भी निंदा ही है, क्योंकि निंदनीय ही है। इस प्रकार से एक और बोले थे कि मान अपमान तुल्य तुल्य मिथ्या विपक्ष सर्वानुभ परित्यागी मुनापी तो समुचते। ये चल रहा था ना, ये पूरा नहीं हुआ था, 24 तक पूरा हो गया, 25 का थोड़ा रह गया। तो ये उनको क्या है कि मान अथवा अपमान अथवा अपमान, मतलब कोई हमको मतलब पहले पद्धति बोल कर गया था, कोई आदर करता है, कोई सत्कार करता है तो हमको मान होता है, ऑनर जिसको बोलते हैं, और कोई हम अनादर करते हैं अथवा हमको जो है तिरस्कार करते हैं तो उसमें हमको अपमानित बोध होता है। परंतु इस व्यक्ति को ये भी निश्चय है, क्योंकि मान अपमान शरीर और मान बुद्धि, मन ने जिसको बना रखा कि ये शब्द बोलेगा तो हमारे लिए स्तुति है, ये शब्द बोलेगा तो हमारे लिए अपमानना है, ये जो मन ने जो पहले से अपना प्रीऑक्युपाइड माइंड हो गया था उसके कारण से हम जो है इस प्रकार मान अपमान को बोध करते हैं। परंतु जो है ज्ञानी पुरुष के शरीर के साथ तादात्म्य छूट जाने के कारण और आत्मा जो बोल रहा है, जो मान अपमान जनक शब्द है वो भी ईश्वर का अभिभौतिक रूप है, जो व्यक्ति मान अपमान जनक शब्द प्रयोग कर रहा है वो भी एक ही चेतन से चैतन्यित होकर के, हमारे चेतन से चैतन्यित होकर के व्यवहार कर रहा है, तो इस प्रकार से उसमें भेद नहीं देखने के कारण उसमें उसका कोई घृणा नहीं होता अथवा कोई प्रीति भी नहीं होती। और तुल्य मित्रादि पक्ष मित्र अथवा शत्रु दोनों पक्ष में ये बराबर है, मित्र को शत्रु देखता है अथवा शत्रु को मित्र देखता है ये बात नहीं है, शत्रु मित्र तो बुद्धि उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर तो हर तरह आत्मबुद्धि है। और अंतिम में बोलते हैं कुछ संकल्प पूर्वक कोई कर्म नहीं करता सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी कर्म करने के लिए पहले हमको ये मान्यता देना पड़ेगा मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा मैं ब्रह्मचारी गृह वनप्रस्थ सन्यासी, इस प्रकार वर्ण और आश्रम धर्म को मान्यता देकर के, क्योंकि हम धार्मिक है शास्त्रीय कर्म करते हैं तो शास्त्रीय जो कर्म हमारे लिए विधान किया वो हम अच्छा भी मानते हैं, परंतु जब मतलब अपने तत्व साक्षात्कार हो जाता है और जान लेता है ये वर्ण और आश्रम धर्म शरीर ही है आत्मा में नहीं है, वर्ण आश्रम धर्म शरीर के लिए है और शरीर के तरह कर्म संपादन होता है तो किसी भी प्रकार के कर्म संकल्प उनसे मन में नहीं उठता, क्यों तब आपको स्वरूप से नीचे आना पड़ेगा, स्वरूप से नीचे आना पड़ेगा। इस प्रकार की गुणातीत पुरुष का लक्षण वहाँ पे कहा गया। अब इसमें देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे तुल्य मित्र अरिपक्षयो मित्र पक्षस्य इव अरिपक्षस्य देश और विषय संयुक्त अनुग्रह निग्रह शून्य, जिस प्रकार मित्र पक्ष के लिए हम अनुग्रह करते हैं शत्रु पक्ष के लिए निग्रह करते हैं, परंतु शत्रु अथवा मित्र में कहीं प्रिय अथवा देश बुद्धि नहीं होने के कारण इन दोनों में अनुग्रह निग्रह शून्य, किसी अनुग्रह भी नहीं करता। इसलिए भगवान भाष्यकार उपदेश पंचक में बोलते हैं जन कृपा नष्टुर्य मिश्रित चताम,
औदासीनम अभीष्टतां जनक कृपा नष्टुर्ज विस्तृतता। किसी जनक कृपा से कृपा करने की भी आवश्यकता नहीं है, अनिष्टता की भी आवश्यकता नहीं है। उपदेश पंचक में बोलता है तो यहाँ पे तय अनुध्वनि कृष्ण नैतिवा सर्वारंभ परित्यागी आरभ्यते इति आरंभ कर्माणि, मतलब कर्मों की यहाँ आरंभ शब्द के द्वारा बोला गया है। ताम ध्यान देना, ये कर्म मतलब ये खाना पीना उठना बैठना ये कर्म को नहीं बोल रहे हैं। शास्त्र भी जो कर्म जिसको जो हम पहले करते थे और जिसके फलस्वरूप हम समझते हैं कि अब तक कर्म शुरू था, अब उस कर्म को नहीं करता, क्योंकि तब उसको क्या करना पड़ेगा, वो मान्यता देना पड़ेगा तब कि मैं सन्यासी हूँ अथवा मैं ब्रह्मचारी हूँ अथवा मैं गृहस्थ हूँ अथवा मैं ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ। इस प्रकार शास्त्र ने हमारे लिए इस कर्म को विधान किया, इसलिए मुझे करना चाहिए। ये सब जो है शरीर धर्म को मान्यता दे करके करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं तान सर्वान परित्यक्त शीलम दस्य, इस प्रकार सारा कर्म को त्याग करना ही जिसका स्वभाव बन गया, मतलब कर्म संकल्प ही नहीं होता जिसके मन में, वो हो गया। स तथा ये व्यक्ति वैसा देह यात्रा मात्र व्यतिरेक न सर्वकर्म परित्यागी, मगर यहाँ पे रुक गया था। शरीर एक यात्रा है, ये यात्रा क्या है कि हमको जो है अज्ञान से ज्ञान तक इंटरनल जर्नी, और जिस प्रकार यात्रा के समय हम कभी भी हमें पारिपार्श्विक वस्तु को अधिक ध्यान नहीं देते हैं, हमें जिस यात्रा के लिए मैं निकला हूँ वही पहुँचना मरुभूम को ध्यान देता है। इसलिए तृतीय अध्याय में भगवान बोल कर कहे तो इस शरीर यात्रा मतलब भगवान ने शरीर दिया, इस मनुष्य शरीर में ही एकमात्र भगवत प्राप्त होने का मतलब योग्यता है, बाकी किसी शरीर में, पशु शरीर में, निम्न शरीर में भी नहीं होता, देवता शरीर में तो और भी नहीं होता, सक्षम तो भोग मिल जाता है वहाँ भी नहीं होता। फलत हो इस मनुष्य शरीर में ही होना संभव है, इस यात्रा को इस शरीर में रहते रहते आपको पूरा करना है। इसलिए होता है देह यात्रा मात्र व्यतिरेक न सर्व कर्म परित्याग, इस यात्रा को पूरा करने के लिए जितना कर्म है उतना ही करते हैं और बाकी सारा कर्म के संकल्प छोड़ देते हैं। यहाँ तक कलम पढ़ लिए थे उदासीन बद आशीन इत्यादि उक्त प्रकार आचार गुणातीत सहुच्यते। तो यहाँ से शुरू करके उदासीन बद आसीन गुणों जो नीचे तीन श्लोक में द्वारा गुणातीत पुरुष का आचरण कैसा तो ऐसा बताएगा आचरण उच्यते। जब उक्तम उपेक्षकत्वादि तब युद्धा उदय पूर्वक, देखिए ये मनुष्य सरस्वती का विशेष है, ये जो कहा कि आपको उपेक्षा उदासीन और संयमित जीवन यापन करना चाहिए, ये जो है जब उत्तम उपेक्षकत्वादि तब विद्या उदयात पूर्वम यत्न साध्यम, ज्ञान उत्पत्ति होने से पहले ये प्रयास पूर्वक आपको सिद्ध करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। विद्या अधिकारिणा, इसलिए विद्या के लिए जो अधिकारी है, जो मन मुमुक्षु है ज्ञान प्राप्त करना, साधनत्वेन अनुष्ठेय उसको ये साधन के रूप में अनुष्ठान करना चाहिए। साधनत्वेन अनुष्ठेय उत्पन्नायाम तो विद्यायाम, परंतु विद्या जो उत्पन्न हो गया जीवन मुक्तस्य गुणातीतस्य उक्तम धर्मजातम अयत्न सिद्धम, ये धर्म समूह उसका अयत्न सिद्ध अपने अपने सिद्ध, इसी को षष्ठ अध्याय में बोल कर गया। आरुरुक्ष मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तस्य, तब क्या सम कारण मुच्यते, आरूढ़ हो गया क्या करना है, स्वाभाविक हो गया। इसलिए गुणातीतस्य उक्तम धर्म जातम अयत्न सिद्धम, उसमें बिना प्रयास से वो अपना स्वरूप करके लक्षण लक्षण तेन तिष्ठति, यही उसका लक्षण होकर के विद्यमान रहता है गुणातीत पुरुष का। ये गुणातीत पुरुष का लक्षण और आचार के बारे में कथन किया। अब जो तृतीय प्रश्न था अर्जुन का कि गुणातीत स्थिति को प्राप्त कैसे करते हैं, है ना, तो उसके लिए उत्तर देते बोलते हैं अधुना कथम एतान गुणान अतिवर्तते, किसके कैसे इस तीन गुणों को हम पार करके जा सकते हैं। तो बोलते हैं कथम एतान गुणान अतिवर्तते इति तृतीय प्रश्नस्य प्रतिवचनम आह, तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दे रहा है, श्लोक में आ जाइए। माम च यप्यभिचारेण माम च योग्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्वैतान सगुणान समतित्वैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते
विद्याय कल्पते मां च योग्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणां समतित्वैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। यह यश्च चकार में यहाँ पे तू एवं अर्थ में आया, मेरे को ही माम चल होता मेरे को ही एवं माम एवं। अरे भी जानते हैं एवं कार को तीन अर्थ के प्रयोग होता है, एक अन्नजोग व्यवच्छेद, अनन्नजोग व्यवच्छेद, अत्यंत अजोग व्यवच्छेद। यहाँ पे अन्नजोग व्यवच्छेद उसका किसी का नहीं, बस केवल मेरे को ही। जब आपका नाम के साथ प्रयोग होता है तब उसका हाँ अन्न जो व्यवच्छेद एक विशेषण के साथ भी होता है, क्रियापद के साथ भी होता है, अत्यंत अजोग व्यवच्छेद और अन्न जो व्यवच्छेद। यहाँ पे अन्न अत्यंत अजोग व्यवच्छेद दूसरा और उसी के साथ नहीं होता, केवल मेरे को ही। मां च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अव्यभिचारी भक्ति समस्या यहाँ पे खड़ा कर दिया। पहले भक्ति किसको बोलेंगे और फिर वो योग भी होना चाहिए और उसमें अव्यभिचारित्व भी होना चाहिए। जैसे हमारे सामान्य रूप से मनोवृत्ति के हमारे ईश्वर मन जो है, मान लीजिए किसी वस्तु की प्राप्ति के प्रति मन लगा हुआ है, मुझे जो है धन चाहिए, ठीक है, भिक्षा में किसी को मैंने भिक्षा मांगा मेरे को दिया, भिक्षा में चला हट्टा कट्टा भीख मांगने आता, काम नहीं कर सकते। अब मनोवृत्ति पहले क्या था हमारा, धन चाहिए पैसा चाहिए तो मेरे को आवश्यकता है आपकी, ये बात नहीं करना, परंतु जैसे ही किसी व्यक्ति ने मेरे को साथ में ये शब्द बोल दिया तब मनोवृत्ति क्या हो गया, तुरंत धन तो मिला, मेरे को ये सब शब्द भी बताने भी दिया। ये जो मनोवृत्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परंतु इस जो भगवान के प्रति जब मन लगाएंगे तब इस प्रकार ये जो परिवर्तन ये होने होना चाहिए। एक अब भक्ति को लेकर के जैसा ये अव्यभिचारी भक्ति, मतलब हमारी वृत्ति में जो परिवर्तन निरंतर परिवर्तन होता रहता है वो अपरिवर्तनीय वृत्ति होना चाहिए। एक अब भक्ति को लेकर के जो परिभाषा हमको दिखाई पड़ती है, तो हमारे सबसे अच्छा तो विवेक चूड़ामणि का परिभाषा क्या है, भगवान शंकराचार्य का, सस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्येव अभिधीयते, अनेक मुक्ति सामग्रम भक्ति रेव गरीयसी सस्वरूप अनुसंधान भक्ति रित्येव अभिधीयते, है ना, मुक्ति के अनेक सामग्री में भक्ति सबसे श्रेष्ठ सामग्री है, परंतु भक्ति क्या वस्तु है, सस्वरूप अनुसंधान भक्ति रित्येव अभिधीयते, अपने स्वरूप की अनुसंधान आत्मस्वरूप बना सकते आत्मतत्व बोध भक्ति रित्येव अभिधीयते, ऐसा कहते भगवान भाष्कर बोलते हैं। और प्रसिद्ध नारद भक्ति सूत्र है, वहाँ पे क्या होता है, साच दसमिन परम प्रेम रूपा, भक्ति की परिभाषा क्या दिया, साच दसमिन परम प्रेम रूपा, भगवान में अत्यंत परम प्रेम। अब विचार करिए कि भगवान भाष्यकार की शब्द और नारद ऋषि के शब्द में क्या भिन्नता है, अथवा कुछ एक रूपता दिखाई पड़ती है। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं भक्ति मतलब हमसे भिन्न है, परंतु वहाँ जो नारद ऋषि जो शब्द परम प्रेम रूपा, संसार में किसी भी वस्तु के प्रति आपकी प्रेम हो, परंतु सच ईमानदारी से अपने छाती में हाथ रख के बताओ सबसे अधिक प्रेम तुम्हारा किसके प्रति है कि नहीं, अपने प्रति सबसे अधिक प्रेम। आप भगवान के बहुत प्रेम करते हैं, नपना कभी ऐसा हो जहाँ बैठ कर के आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, अचानक वहाँ पे आँख लग गया अथवा बहुत बारिश बाढ़ लग गया, अब आशा उठाना भूल जाओगे पहले अपने आप भाग जाओ, हंसी की बात नहीं है, ये सच्चाई है। तो परम प्रेम आत्मा में ही स्वाभाविक है, तो शास्त्र तो हमको यही दिखाता है आत्मा में जो स्वाभाविक प्रेम है बस उसी को भगवान मान लो, जो सच्चाई पे ही है, जिसको तुम परम प्रेम करते हो प्रेम वहां पर स्वाभाविक है। अब देखना जिस प्रकार भोजन से पहले हम आचमन करते हैं, शास्त्र हमको नया करके कुछ नहीं बोलता है, उस आचमन में केवल एक इतना दृष्टि कर दो इसके बाद प्राण को वस्त्र देना, बस प्रश्न जो आचमन करते हैं हम केवल उतना ही, इतना दृष्टि करना है केवल, हाँ इससे मैं प्राण को वस्त्र दे रहा हूँ, प्राण प्रश्न हो जाता है।
तो जिस काम को हम रोज करते हैं वेदांत हमको यही सिखाता है, उस काम को छोड़ना नहीं है, केवल दृष्टिकोण को बदल दो, केवल थोड़ा दृष्टिकोण को बदल दो, बस तुम्हारा काम बनता रहेगा। तो ये जो नारद ऋषि का जो कथन है, साथ तस्मिन परम प्रेम रूपा, और आत्मा में प्रेम और व्यभिचारी प्रेम है, किसी भी अवस्था में ये प्रेम कभी इधर उधर नहीं जाता। आपके प्रति प्रेम, इनकी प्रति प्रेम, उसमें तो व्यभिचार हो सकता है, कभी व्यवहार में थोड़ा इधर हो गया तो तुरंत मंत्र घूम जाता है, अब व्यभिचार नहीं है वहाँ, व्यभिचारी प्रेम। परंतु आत्मा में अव्यभिचारी प्रेम है। तो इन दोनों की परिभाषा में शब्द की भिन्नता है, लक्षार्थ में भिन्नता नहीं है, वो व्यक्ति नहीं समझ पाता है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है। मैं ठीक है, भगवान के प्रति प्रेम बहुत अच्छी बात है, मंदिर में भगवान को रख के प्रेम करना और अपने मन को ही मंदिर बना करके भगवान को प्रेम करना, जरा विचार करके तुम ही देख लो कौन सा अच्छा है। अब ये तो स्वाभाविक है, भगवान क्या बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, जब तुम्हारे अंदर मैं बैठा हुआ हूँ तो अलग करके मंदिर में जा करके भगवान की विशेष पूजा की क्या आवश्यकता, आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं बोलता, वो भी ठीक है। परंतु प्रेम जो वहाँ पे स्वाभाविक है, वहाँ पे केवल मात्र जिस आत्मा के प्रति प्रेम स्वाभाविक है, वही ईश्वर है, वही मेरा स्वरूप है, बस यही यही जो है सबसे अव्यभिचारी भक्ति है। और इसी शब्द को भगवान वासुकर भी बोलती है। और इसमें यदि इससे कुछ भी भिन्नता करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अव्यभिचारी भक्ति नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या बोलता है, जो माम, ये माम शब्द का किसका शब्द, इसका प्रतिपदी क्या है, अस्मत, अस्मत पद का जो है इसका अहम आवाम वयम माम मावाम नम अस्मन नम अयम अस्म, इस प्रकार ये अस्मत शब्द का जो मतलब प्रसिद्ध अर्थ है वो प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा में अस्मत शब्द का प्रसिद्धि है, मतलब इस प्रकार से जो और प्रत्येक आत्मरूपी मुझ में ही जिसका अव्यभिचारी भक्ति मतलब प्रेम निष्ठा है, और वही हमको अव्यभिचारी भक्ति क्या हो जाएगा कि ईश्वर मैं भिन्न नहीं हूँ, यही तो स्वस्वरूप अनुसंधान, मैं क्या हूँ, अपने स्वरूप क्या है इसका अनुसंधान है, मतलब मैं वास्तविक क्या हूँ, तो कहाँ पहुँचेंगे, मैं वास्तविक असंग व्यापक तत्व ईश्वर का रूप वर्णन करते, मैं वास्तविक सच्चिदानंद पूर्ण हूँ, अनुसंधान को भगवान भाष्यकर ने भक्ति बोला। और नारद ऋषि ने बोला कि उस ईश्वर में परम प्रेम जो अंतर्यामी रूप में बैठ, मतलब प्रेम आप उसी को अनुसंधान करते हो जिसके प्रति आपकी प्रेम है, जिसके प्रति हमारी प्रेम है, जिसके प्रति हमारी स्वाभाविक प्रीति है, मन में उसका चिंता चलता रहता है। और बच्चे ने पूछा था कि मैं उनको बोला भगवान कैसे होता था, अलग बैठ करके मैं बोलता तुमने कभी प्रेम किया, सच्चा ईमानदार से बताओ, हाँ बताओ, उस व्यक्ति से तुमसे तुमको अकेला एकांत में मिलने की इच्छा होती कि नहीं होती, बस यही तो बात है। यहाँ पे यदि भगवान के लिए प्रेम होगा तो ऐसे ही अकेला एकांत में मिलने का इच्छा होगा, और बार बार मिलने की इच्छा होती कि नहीं होती, होती है, स्वाभाविक है। तो यदि वास्तविक भगवान की प्रेम होगा तो मन स्वाभाविक उधर जाएगा। इसीलिए नारद की जो है प्रोसेस बताया और भाष्य का लक्ष्य बताया, इस पशु से काम पशु दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि माम जो अव्यभिचारे ना भक्ति योगे ना, जो मेरे को मतलब इस अपने स्वरूप को अव्यभिचारी भक्ति अव्यभिचारी प्रेम वहाँ पर स्वाभाविक है, केवल दृष्टिकोण बदल दो चाहे ना कि जो है यही हमारा पूर्ण ईश्वर है, और तब क्या हो जाएगा, भगवान को स्वाभाविक प्रेम होगा। लोग मन को लेकर के समस्या बोलते हैं, मन बहुत जगह स्थिर नहीं होता, परंतु भगवान ने मन को एक बहुत अच्छा गुण दे करके भेजा, क्या है, जिसको प्रेम करता है उसके प्रति अपने आप जाता है। भगवान ने सोचा था संसार में सारा वस्तु दोष युक्त है, एक मैं निर्दिष्ट हूँ तो मेरे को लोग प्रेम करेगा, हो गया उल्टा, दोष युक्त में जो है वहाँ भी प्रेम हो गया, तो उधर दौड़ता रहेगा, मेरे को दोष नहीं दिखाई पड़ता। तो अब जो है यही जो है उपाय है, गुणातीत होने के लिए यही उपाय है, एकमात्र निरंतर ईश्वर चिंतन अथवा स्वरूप के अनुसंधान, यही गुणातीत अवस्था में ले जाएगा। स गुणान समातीत्य, वो व्यक्ति जह भक्ति योग न सेवते, स ठीक है ना, जो अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करते हैं, तो वो क्या होता है, सभी गुणों को
समतित्त सम्मक रूप से प्रादिक पार करके समतित्त एतान गुणान समतित्त्य सम्मक रूप से पार करके फिर क्या होता है देखिए ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब व्यापकता की भाव में स्थिर होने के लिए समर्थ बन जाते हैं। भगवत प्राप्ति क्या वस्तु है आप देखो गुणातीत अवस्था क्या है भगवत प्राप्ति मतलब लोग सोचते हैं कि कोई लोग जाऊंगा कोई वैकुंठ लोग जाऊंगा वहां जाकर भगवान के साथ की लीला करेंगे ठीक है उसका निषेध नहीं करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म मतलब निविश निरतिशय व्यापकता और उस भाव को प्राप्त भूयाय हो सकता है उस स्थिति में आने के लिए वो समर्थ बन जाता है। तो मतलब जिसमें गुण नहीं है गुण से पार परंतु गुण जिस जहाँ जहाँ गुण दिखाई देता है उसी के अंदर अनुशूल अब से गुण के साथ संबंध नहीं रखते हुए इस व्यापकता की भाव में स्थिर हो सकता है। ये जो है इस श्लोक का इसको अच्छी तरह समझे कि ये जो भगवान इसके सिवा जो ना गर्व बोलते हैं धर्माचरण और पराशर ऋषि बोलते हैं कि शास्त्र अध्ययन वैष्णव जी बोलते हैं कोई भी चीज को आप मतलब भक्ति किसको बोलते हैं भगवान के लिए जो भी कुछ काम करते हो वही भक्ति है। इस प्रकार से अलग अलग नारद भक्ति सूत्र में ये सूत्र दिया हुआ है पराशर ऋषि क्या बोला हमारा वैष्णव जी क्या बोला गर्व ऋषि क्या बोला इसमें कोई अध्ययन को बोला कोई प्रेम प्रीति को बोला कोई शास्त्र शास्त्राचरण को बोला परंतु उसमें भी सभी ने एक कॉमन क्या है जब तक आप उसके प्रति श्रद्धा अथवा प्रीति नहीं होगी तब तक उस काम को नहीं कर सकते आप। इसलिए प्रीति को ही भक्ति कहा परम प्रीति को ही भक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे उस गुणातीत अथवा भक्ति से कोई लोक प्राप्ति नहीं है मतलब अन्य लोक में जा करके प्राप्त करेंगे गुणातीत ये नहीं बोल रहे भगवान क्या बोल रहे यही पे व्यापकता की भाव में स्थिर हो जाएगा ये अभिप्राय है। अब देखिए क्या बोलते हैं मधुसूदन चहस्तु अर्थ ठीक है माम च में च आया हुआ है च का अर्थ क्या तू अर्थ एव अर्थ में उसे बोलते हैं माम एव अपने आप लिखते हैं मेरे को ही और दूसरे को नहीं केवल भगवान को ही है ना इसलिए माम एव ईश्वर मधुसूदन शब्द से माम आत्मा को बोलते हुए मैं कौन हूँ मैं ईश्वर हूँ मैं कौन हूँ नारायणम नारायण मतलब क्या हो गया नारायणम परम अयनम नारायण है ना समस्त जीव का अंतिम आश्रय और एकमात्र आश्रय और कोई आश्रय नहीं है चाहे हम कितना भी सोच के किंतु आश्रय तो एकमात्र भगवान ही है इसलिए नारायणम फिर सर्वभूतांतरयामिनम समस्त भूत में जो अंतर्यामी रूप में विद्यमान है ठीक है ना। देखो ईश्वर को ये भक्ति को बोल रहे हैं नारद भूत किंतु बाहर नहीं ले जा कहाँ ले रहे ईश्वर को अंतर्यामी इसलिए वो नारायण है और वो सर्वभूत अंतर्यामी समस्त भूतों के अंदर अंतर्यामी रूप में विद्यमान है और वही तत्व माया क्षेत्र देखिए जो सर्व क्षेत्र क्षेत्र एक है उसी को ये माया उपाधि के साथ हम क्षेत्र को भी बोलते हैं क्षेत्र को जिस क्षेत्र में जो है उसको क्षेत्र को भी बोलते हैं। तो जो ईश्वर है वही नारायण है वही अंतर्यामी है वही क्षेत्र है और वही मैं हूँ ठीक है ना। आत्मा तो अनेक नहीं है तब वो अपना स्वरूप है इस प्रकार से मैं मतलब शरीर भी मैं नहीं है और वो उसका अब देखिए उसका अभिव्यक्ति क्या है परम आनंद घनम है ना परम आनंद घनम जिसमें आनंद की श्रेष्ठ आनंद की घनीभूत अवस्था श्रेष्ठ आनंद क्यों बोल रहे अन्य कोई भी विषय आनंद थोड़ी देर के उद्भव है आगमा पाई आने जाने वाला है विषय आनंद क्या होता है थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चला जाता है इसीलिए वो परमानंद नहीं है ये हमेशा एक ही रूप में विद्यमान रहते घटते भी नहीं है बढ़ते भी नहीं है इसीलिए परम है और वो आनंद रूप है और वो घन रूप है घन रूप मतलब वो घन उसमें व्यभिचार नहीं है एक एक ही प्रकार की वस्तु है सैंधव घन मतलब कहता है ओनली सॉल्ट अन्य नमकीन केवल इस यहाँ पे आनंद ही है आनंद मैं भी नहीं बोल रहा मैं प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में होता है विकार अर्थ में होता है परंतु क्योंकि जैसे जलमय खेल अन्नमय यज्ञ यहाँ पे क्या होता है उससे भिन्न वस्तु भी कुछ है यहाँ पे घन शब्द बोल करके कोई भी जातीय वस्तु नहीं है आनंद ही आनंद है और उस ऐसा आनंद जिस आनंद उत्पत्ति विनाशी नहीं है इस प्रकार जो है हमारा स्वरूप इस प्रकार परमात्मा को सब द्वितीय एक वचन माँ मैं ना द्वितीय एक वचन ये सब द्वितीय एक वचन
बोलना नारायणम सर्वभूत अंतर्यामिनम मायाया क्षेत्रज्ञतम आगतम परमानंद घनम सेवते स चिंतयति सदा चिंतयति हमेशा इस परमात्मा की चिंतन में मन को लगा के रखते हैं। स मद भक्त वो जो मेरा भक्त है एतान प्राग उक्तान जो तीन गुणों के बारे में कथन करता है उस पहले कहा गया है गुणान इन गुणों को समतित्य सम्मक रूपेण अतित्य सम्मक अतिक्रम्य तो गुण को पार कर जाते हैं गुण को पार कर जाते हैं मतलब जो शरीर है तो गुण की क्रिया होगा परंतु उसके साथ फिर तादात होता नहीं तो देखते रहे उसको। फिर अद्वैत दर्शनेन बाधित्व क्या लिखा है आपका अद्वैत दर्शनेन बाधित्व मतलब अतिक्रमण क्या हुआ अतिक्रमण क्या हुआ कैसे पार करेंगे एकत्व की दृष्टि से भेद दृष्टि बाधित होती है एक है जीवाकार वृत्ति एक है ब्रह्माकार वृत्ति अथवा शिवाकार वृत्ति अब जीवाकार वृत्ति अवचेतन मन में जीव की भावना चलता रहता है क्योंकि बार 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 शास्त्र चिंतन आत्मचिंतन के फलस्वरूप और ब्रह्माकार वृत्ति व्यापकाकार वृत्ति मन में शास्त्र बोल रहे बात है मैं असंग हूँ मैं पूर्ण हूँ मैं व्यापक हूँ मैं अकर्ता हूँ मैं अभोक्ता हूँ इस प्रकार विचार करते करते क्या होता है वो आप एक हूँ सभी में समान रूप से विद्यमान हूँ फलते भेद दृष्टि मिल जाते हैं ये अद्वैत दर्शन गुणान बाधित्वा गुण और गुण की क्रिया को बात करके है ना ये बात बाधितता मतलब वो बात उसको होता है जो मिथ्या वस्तु होता है वो बाधित होता है मतलब हम भ्रांति से हमने मान लिया था अब ज्ञान की तरह वो नाश हो गया बाध हो गया इस प्रकार के व्यक्ति ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्म भवनाय ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए मतलब मोक्षाय कल्पते समर्थकृत सामर्थ्य था आत्मनिपति समर्थो भवति वो जो है वो सामर्थ्यवान बन जाते हैं तो मतलब मधुसूदन से देखिए संक्षेप में इसका उपसंहार में एक लाइन बोला सर्वदा भगवत चिंतनम एव गुणातीत तत्व उपाय है ना हमेशा ईश्वर चिंतन अथवा शास्त्रीय भाव जो जिसने कहा उसी चिंतन को मन में जगा के रखना ही जो गुणातीत होने का उपाय है गुणातीत होने का उपाय क्यों ईश्वर चिंतन भगवत चिंतन अथवा शास्त्रों के भाव को मन में जगा के रखने के लिए आपके अंदर सत्वगुण की अधिकता चाहिए ये सत्वगुण की अधिकता के फलस्वरूप पहले क्या होगा रज और तमगुण की जो व्यवहार है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा उसके बाद क्या होगा जैसे एक कांटा जो पैर में चुहा दूसरे कांटा से निकल करके दोनों को फेंक देना इसी प्रकार बाद में जो है जो ईश्वर गुणातीत है स्वरूप में कोई गुण नहीं है है ना आप असंग व्यापकता को चिंतन करते करते मैं गुण से रहित हूँ इसलिए गुण की कार्य तो शरीर में मुझे दिखाई दे रहा है जैसे जैसे आप उसको देखते जाएंगे तो मैं इससे अलग हुए भी निश्चय हो जाएगा मैं गुणातीत हो जाएगा मतलब गुण से पृथक कर लेंगे आपको यही इसके लिए उपाय है सर्वदा भगवत चिंतन एवं गुणाति तत्व उपाय अर्थ ये इसका भी प्रकार है प्रथम पंक्ति में कुछ ज्यादा शब्द है कहाँ पे जैसे माम एव ईश्वरम नारायणम सर्वभूतं अंतर्यामिनम सर्वभूत अंतर्यामिनम मायाना क्षेत्रज्ञतां आगतं परमानंद घनं भगवन्तं वासुदेवं ओहो हाँ मैं एक लाइन छोड़ दिया हमारे मतलब एक मतलब यहाँ पे ना ये जो इसमें अल्फा इसमें एक ही प्रकार की लिखा है हाँ भगवंतम वासुदेवम अव्यभिचारिण परम प्रेम लक्षण हाँ हाँ भक्ति योग हाँ ये चाहिए यहाँ पे तो परमानंद घनम और कौन है भगवंतम मतलब ऐश्वर्य युक्त समस्त ऐश्वर्य युक्त भगवंतम वासुदेवम है ना और जो जो इस समय वासुदेव वसुदेव के घर में उत्पन्न वासुदेव अथवा वाशयति सर्वानिति वासुदेव सबको अपने में बैठाते हैं अव्यभिचारेण ये अव्यभिचार परम प्रेम लक्षण अव्यभिचार भक्ति जो उसका अर्थ क्या करता है अव्यभिचार्य भक्ति क्या है परम प्रेम लक्षण क्योंकि यदि परम प्रेम होगा तो मनोवृत्ति वहाँ पे अव्यभिचार्य रूप में लगा रहेगा जैसे एक ठाकुर जी का दृष्टांत है इस प्रकार कोई स्त्री यदि किसी दुष्ट पुरुष के साथ प्रेम करता है जैसे उसका मन वहीं पर लगा रहता है अथवा कोई पुरुष जो है
तो ऐसे उनका तो दृष्टांत ही कुछ ऐसे सामान्य व्यक्ति में देख करके बोलते थे, वो मतलब कब उनसे मिलेंगे, कैसा होगा, उसी का चिंतन मन में लगा रहा है। इस प्रकार यहाँ पे परमात्मा ने जो अथवा एक और सुंदर दृष्टांत दिए कि एक गांव में पहले क्या होता है, वो धान को कूटते हैं ना, तो एक यंत्र होता है, कोई दूसरा एक माता उसको चलाते हैं पैर से और एक दूसरा माता उसको हाथ से कुछ थोड़ा थोड़ा धान उसमें डालते हैं और वो उसको कूटते हैं, फिर उसे निकालते भी हैं। तो उसके गोद में एक बच्चा भी है जो उसमें धान डालते हैं, तो उसमें धान को डालते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको चला रहे हैं, अपने आप नहीं चला रहे हैं, परंतु उसका मन इतना एक्सपर्ट हो गया, वो धान को डालना, खोसा निकालने का, चावल को निकालना, वो बिल्कुल उसी में मन लगे, वो जानते हैं हाथ में एक बार बिगड़ेगा तो हाथ उंगली उंगली उसका डैमेज हो जाएगा। बच्चा गोद में उसको दूध भी पिला रहा है, कोई आया उसके साथ बात भी कर रहा है, परंतु मुख्य मन कहाँ लगा है, हाथ में वो लकड़ी नहीं है। जैसे इस प्रकार की होना संभव है, इसी प्रकार संसार के काम को करते हुए भी भगवान के प्रति ऐसा आकर्षण अतः मन लगा रह सकता है, क्योंकि यदि मैं जानता हूँ कि यदि यदि भगवान के प्रति हमारा भक्ति नहीं हो तो हमारा जीवन दुखदायी होगा। इसलिए संसार के कर्म अथवा कर्मों को करते हुए भी मुख्य आकर्षण अथवा मुख्य मनोवृत्ति वहीं पर लगा है। दो दृष्टांत दिए रामकृष्ण का सामने है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि परमानंद घनम भगवंतम वासुदेवम जो अव्यभिचारी, मैं यही बोला अव्यभिचारी भक्ति क्या है, मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, मनोवृत्ति में परिवर्तन, परम प्रेम और लक्षण है ना, इसी को परम प्रेम बोलते हैं। सामान्य प्रेम होने वाले काम होने वाले थे पर सचा परम प्रेम देखिए मतलब नारद भक्ति सूत्र देव शब्द दे दिया हमें परम भक्ति योग्य ना इसी को भक्ति। और क्या बोलते हैं, द्वादश अध्याय उक्ते न, ठीक है ना, द्वादश अध्याय में भक्ति करने के लिए क्या क्या उपाय बताया वहाँ पे, मई एव मनाधत्स मई बुद्धि निवेश निवशिषी मई एव अथोत्थम न संशय। ये पहला उपाय है, अर्जुन मेरे भी मत मन को लगाओ, माना मई बुद्धि मन मतलब संकल्प विकल्प कुछ भी करो मेरे लिए कार्य करो, और बुद्धि मतलब मई एव मनाधत्स मई बुद्धि निवेश, निश्चय करो कि यही मेरे एकमात्र अवलंबन है, यही मेरा एकमात्र सहारा, मन एव निवशिषी मई एव अथोत्थम न संशय, यदि ऐसा कर पाते हो तो तुम मुझ में आके निवास करोगे। अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मई स्थिरम अभ्यास योग यदि ये नहीं कर पाते हो तब क्या है, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करो। अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मई स्थिरम, मुझ में चित्त को स्थिर करने में समर्थ नहीं हो रहे तब क्या करोगे, अभ्यास करो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। अब यदि ये भी नहीं कर पाते हो अथ ही तत्व असत्वशी मत कर्म परम भव मतर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्ति मेरे लिए कर्म। अब गृहस्थ आश्रम में रहकर केवल भगवान के लिए कर्म कैसे होगा, ठीक आश्रम में आके अन्य कर्म छोड़ दिया तो आश्रम में आकर के जो भी कुछ काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, अथवा घर में रह करके भी ठीक है जो भी कुछ भगवत दृष्टि करके काम करते हैं तो मेरे लिए ही काम करो, मतलब भगवान में मन लगाने के अभ्यास। और यदि ये भी नहीं कहते ये तो अशक्त सी कर्तुम, हाँ तो कर्तुम सर्व कर्म फलत्यागता तब क्या करो कि भगवान में मन को लगा करके जो भी कुछ कर्म कर रहे हो उसको मेरे को अर्पण कर दो, उसको मेरे को अर्पण करो। चार स्टेप में बताया जिस प्रकार से हमसे होना संभव है उस प्रकार से हम अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। द्वादश अध्याय में हमको लगता है 8, 9, 10, 11 ऐसा चार श्लोक होगा, 8, 9, 10, 11 चार श्लोक होगा। तो इस प्रकार से जैसे हमारे लिए बोलते हैं द्वादश अध्याय उगते ना, द्वादश अध्याय में जैसा कहा गया है इस प्रकार की पद्धति के द्वारा इस प्रोसीड्यूर के द्वारा जो व्यक्ति मेरा सेवन करता है सदा हमेशा चिंतयति समत भक्त एतान प्रागुक्तान गुणान सम्मति तत्त सम्मक अतिक्रम अद्वैत दर्शनेन बाधित्वा। देखिए फिर इतना भक्ति बोल रहा है लाया कहाँ से, क्या लाया अल्टीमेटली वही अद्वैत दर्शन। सच में आपको मैं बताता हूँ इस प्रकार योग दर्शन में पहले बोलते हैं यम और नियम, यम में क्या बोला अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य
और वहां पे शोक जो संत स्तंभ इस प्रकार बोलते हैं। अब देखो हम कभी अपने आप को हिंसा करते हैं, मेरा कभी आंख उंगली आंख में लग गया, दांत जीवा को काट दिया, क्या हम मुक्का मार के उंगली को तोड़ देते हैं अथवा दांत को तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते हैं। क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्यों? मैं वहां भी मैंपन बैठा हुआ है। तो अहिंसा की पराकाष्ठ में अब तब पहुंच सकते हैं, मतलब जो अत्याचारी अहिंसा, मतलब महा सार्वभौम महाप्रथम देश कालो वस्तु अपरिच्छिन्न सार्वभौम तो महाप्रथम जो बोलते हैं कि महाप्रथम तब होगा यदि आप अद्वैत को ठीक से समझते हैं, तभी जाकर के आपको अहिंसा में पूर्ण प्रतिष्ठा हो सकते हैं। चोरी करते हैं किसी का वस्तु, क्यों? मेरे पास नहीं है, उसका है, अच्छा है, मेरा काम में आ जाएगा, उठा लेता हूं, परंतु वो भी मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, चोरी का प्रवृत्ति कहां से होगी? देखिए आपकी अद्वैत दर्शन की महिमा को आप देखेंगे ना, आपको लगेगा क्या अद्भुत वस्तु दिखाया ये। किसी भी दर्शन में कर्म योग दूसरे के इस शरीर के लिए कितना काम देर भर हम करते हैं, कभी मन में अहंकार नहीं होता कि मैंने इतना काम किया, दूसरे को दो पैसे भी दूंगा, एक ग्लास पानी भी दूंगा, इतना काम करके आया, क्यों? भेद दृष्टि वो। किंतु अगर अपने लिए होता है अद्वैत सिद्धांत के लिए परोक्ष रूप में भी कोई व्यक्ति समझ जाता है, फिर भी उसका जो है कर्मयोग भी आसान हो जाएगा, जब नियम का भी आसान हो जाएगा, क्योंकि दूसरे को मतलब भेद रहेगा ही नहीं, भेद ही सारा समस्या की क्रिएट करते हैं। सारा विश्व में आज जहां भी आप अशांति देखना, सब है कि भेद बुद्धि, द्वैतम अशांतम अशिवम, शांतम शिवम अद्वैत। ये हमारे कार्य का स्तुति के शब्द तो इतना मतलब पावरफुल है, आप देखना कितना। तो इसीलिए ये अद्वैत दर्शन को चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, यदि एक बार शुभ जीवन में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर किसी भी मार्ग में साधक साधन करिए आप, ये आपके लिए लाभ नहीं होगा, ये आपके लिए लाभ नहीं होगा। तो चाहे आप यम की अभ्यास करें, चाहे नियम की अभ्यास करें, चाहे कर्मयोग की अभ्यास करें, चाहे भक्ति की अभ्यास करें, भगवान में भक्ति करते हैं, मंदिर में जाके रोज पूजा करते हैं, और फिर जो है बाकी समय तो, परंतु जब मन एक दिन भगवान श्री कृष्ण किसी व्यापारी को बोल दे आज मैं तेरे साथ तेरे बगल में कुर्सी में बैठा रहूंगा दुकान में, वो व्यक्ति राजी होगा कि नहीं होगा बताओ? मुश्किल पड़ जाएगा उसका, क्योंकि दिन भर में कितना झूठ बोलना पड़ता है व्यवहार करने के लिए, साहब एक है वो, इसीलिए वो यहाँ नहीं बैठाना चाहता है, भगवान को मंदिर में रख करके पूजा करते हैं, फूल पूजा फूल फूल खूब देंगे, परंतु बाद में जाकर इसे अद्वैत दर्शन इतना अद्भुत है और इतना आनंद देने वाले हैं कि यदि ठीक से समझ जाएंगे आप इसको, आपको हर साधन देखना कि आसान होता जाएगा, आसान होता जाएगा। तो इसलिए आप बोलते हैं कि भगवत चिंतनम एवं गुणातीत तो उपाय यदि, इसलिए हमेशा इस अद्वैत चिंतन भगवान को आपने अभिन्न रूप से चिंतन करना, यही जो है गुणातीत होने का उपाय है। इसके बाद वाला तो और बॉम्बास्टिक है, शुरू में पता करता, इसके बाद वाला तो और कठिन लगेगा डाइजेस्ट करना, आगे क्या बचे आपको? आप इसके लिए हेतु बोल रहे भगवान कि कैसे भगवत चिंतन ही आपको भगवत प्राप्ति में मतलब ब्रह्म भाव में स्थिर करने के लिए मददगार होते हैं, उसके लिए हेतु बोल रहे हैं अगला श्लोक। अत्र हेतु अत्र मतलब कि अव्यभिचारी भक्ति योग से भगवान की सेवन करने से आप गुणातीत हो सकते हैं, इसके लिए मतलब गुणातीत अवस्था में आ सकते हैं। सारा संसार में जो भी कोई वस्तु उत्पन्न होता है वो गुण से अन्वित है, संसार में ऐसा कोई वस्तु है जिसकी सृष्टि उत्पत्ति नहीं होती? कोई एक वस्तु है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती? आपको ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल एक मात्र वही गुणातीत है, कोई आत्मा आप स्वयं अतएव जहाँ जो द्वितीय ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय चतुर्थ पद में एक एक करके आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की उत्पत्ति दिखाया गया, तो वहां पे दिखाया जड़ की उत्पत्ति होती है, चेतन की उत्पत्ति नहीं होती है, अतएव ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि वो चेतन है, चेतन पुत्र। यदि आप अपने को चेतन मानते हो तो मन से ये मत हटा दो कि मैं उत्पत्ति बिना से रही हूं, मैं चेतन उत्पत्ति नहीं होती। तो इस विषय में जो है आप बोलते हैं अत्र हेतु मह, इस विषय में हेतु को कहते हैं कैसे अपने अंदर भगवत चिंतन के फल स्वरूप हम ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाएंगे, हम कैसे को ये हो सकता है? तो श्लोक आइए देखिए, ब्रह्म नो ही प्रतिष्ठा हम
ब्रह्मणं हि प्रतिष्ठाम् अमृतस्य व्ययस्य च श्वाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च अहम् ब्रह्मणो अपि प्रतिष्ठा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अहम ही, मतलब यहाँ क्योंकि अथवा निश्चित ही अहम ब्रह्मणो प्रतिष्ठा। अब यहीं पे थोड़ा एक मिनट खड़ा हो जाइए। मैं पहले ही बोला अहम शब्द किसका किस प्रातिपदिक है? इसका अस्मत्। अस्मत् शब्द का प्रातिपदिक का मूल प्रत्येगात्मा होता है। तो यहाँ पे अहम शब्द से अब लगाइए प्रत्येगात्मा अनेक है कि अलग एक है? आत्मा एक है कि अनेक है? जो ईश्वर के अंदर भी चेतन तत्व तो है वो यहाँ भी बैठा हुआ है। अब लाइए तो ब्रह्म का प्रतिष्ठा कौन हो जाएगा? ये शरीर नहीं, इसके अंदर जो चेतन बैठा हुआ है ये, मैं बोला कि ये डाइजेस्ट करना और मुश्किल पड़ेगा, परंतु सच्चाई यही है। सच्चाई यही है कार्य ब्रह्म जितना भी कार्यात्मक जगत दिखाई देता है समस्त कार्यात्मक जगत के अधिष्ठान में ही है कि नहीं? इसी अधिष्ठान के ऊपर तो भ्रांति हो रहा है। अधिष्ठान तो एक ही है। तो यहाँ पे भक्ति की दृष्टि से बोलेंगे ईश्वर जो है ईश्वर जो है कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ की आधार है, क्योंकि ईश्वर हिरण्य गर्भ रूप में आते हैं। परंतु वो जो ईश्वर है वो ईश्वर क्या है? अब माया उपाधि को छोड़ दो, वो उपाधि को ले, शुद्ध जो शुद्ध चेतन है। क्योंकि आगे जो बोल रहे हैं कि अमृतस्य अव्ययस्य ब्रह्मण, ठीक है ना, ब्रह्मण षष्ठी एक वचन है, जो अमृत रूप है जो व्यय रहित है, इस प्रकार के ब्रह्म का प्रतिष्ठा मैं हूँ। ये मेडिटेशन करो ना, देखो क्या लगेगा, शरीर भाव अपने आप ही चला जाएगा। जब आपको लगेगा कि मैं सारा सृष्टि के अधिष्ठान हूँ, तब कहाँ शरीर के साथ तादात्म्य हो पाए, है ना? क्योंकि इस भाव से तभी यही ब्रह्माकार वृत्ति है। यदि ब्रह्माकार वृत्ति क्या है, कैसे बनाएंगे, ये ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? देखो सारा सृष्टि का अधिष्ठान मैं हूँ, पूर्ण व्यापक असर हूँ, सारा सृष्टि स्थिति प्रलय की लीला हमारे अंदर चल रहा है, मैं बैठ कर उसको देख रहा हूँ, उसके अंतपति इस सृष्टि का अंतपति शरीर ही है। यदि ये विचार मन में निरंतर चलता है तो मुक्ति कौन रुकेगा आपका, बंधन कहाँ रहेगा, है ना? इसलिए बोलते हैं अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्म। ने पूछा ना अर्जुन कि गुणातीत होने का उपाय क्या है, ये उपाय है, और इस स्थिति में आप स्थिर भी हो जाएंगे, जीती थी इस गुणातीत स्थिति का अनुभव भी कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्म ने ही प्रतिष्ठा अहम ब्रह्म न प्रतिष्ठा, ब्रह्म कैसा है, अव्ययस्य अमृतस्य, अव्ययस्य अमृतस्य च ब्रह्म न अहम प्रतिष्ठा। अच्छा ठीक है भाई, आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है, धर्म आचरण करना चाहते हो, धर्म कैसा है, सनातन धर्म का पालन करते हो, कोई बात नहीं, मैं शाश्वत धर्म का प्रतिष्ठा हूँ। कि भगवान नवमाध्याय में बोल करके आए, प्रत्यक्ष अवगमन धर्म सुसुखम कर तुम अव्ययम, है ना? पहला लाइन क्या है उसका, इदम तुते गुह्य तम प्रवक्षा में अंश में ज्ञान विज्ञान से तम ज्ञातम सचे शुभ, फिर इदम ज्ञातम पहला शब्द नहीं है, इदम तुते गुह्य तम नवम अध्याय की द्वितीय श्लोक देखो जाए, नवम अध्याय की सेकेंड श्लोक, आजकल ही हो रहा है तुरंत चिप जो क्लिक नहीं कर रहा पूरा। सेकंड श्लोक, हाँ, राधे वित्तरात को हम पवित्र मितम उत्तम प्रत्यक्ष भगवान धर्म शुष्कम करते हम पाए। तो ये राजवित्त है, ये राजगुज है, ये करना आसान है, और ये धर्म्यम धर्मात अनपेतम, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ये राजवित्त है, यही गुह्यतम वित्त है, सारा सृष्टि का प्रतिष्ठा मैं हूँ। इसको जानना, इसको समझना और उसका अभ्यास करना, ये सभी व्यक्ति के द्वारा समर्थ नहीं होते,
तब यदि ठीक है आप धर्म आचरण करना चाहते हो, तब क्या बोला कि प्रत्यक्ष अवगमम, इसको आप अनुभव कर सकते हो, धर्म्यम धर्मात् अनपेतम, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है यदि आत्मचिंतन कर। और यदि धर्म आचरण भी करते हैं तो भी सारा धर्म आचरण छोड़ कर भी भगवत चिंतन करते हैं तो शाश्वत धर्म सो प्रतिष्ठा भगवान में। सेकंड एक हो गया उत्तम ज्ञान दृष्टि, सेकंड हो गया भक्ति दृष्टि, धर्म आचरण दृष्टि, परंतु समस्त धर्म की प्रतिष्ठा में ही शुद्ध चेतन नए रूपी रहने के कारण ही शरीर धर्म आचरण कर पाते हैं, मन जो है अच्छा चिंतन कर पाते हैं, इसलिए उसका प्रतिष्ठा भी नए। सेकेंड थर्ड क्या ढूंढ रहे हो, आनंद शांति सुख, परंतु जो कुछ सुख प्राप्ति के साधन ढूंढते हो सब अनित्य है तो वो तुमको नित्य आनंद कैसे दे सकता है, वो आत्यंतिक कैसे सकता है, मैं हूं क्या मैं ही उस जो है ऐकांतिक सुख का आश्रय, मतलब मैं सुख स्वरूप हूं, ये चिंतन है ना, जिस चीज को ढूंढ रहे हो तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए बोलते हैं इस चिंतन यदि मन में चलते हैं, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं गुणातीत होने के लिए उपाय है निरंतर भगवत चिंतन, तो निरंतर भगवत चिंतन में क्या होगा कि पूरा सृष्टि की अधिष्ठान यदि भगवान है वही मेरा स्वरूप है, सारा सृष्टि की अधिष्ठान मैं, सेकेंड सारा धर्म अधिष्ठान सारा धर्म आचरण की अधिष्ठाता भी मैं हूँ, समस्त सुख स्वरूप मैं हूँ। जब तक सुख प्राप्ति की इच्छा है तब तक हम दुखी होंगे, सुख स्वरूप अपने को समझ जाए तो देखे तो शायद सुख स्वरूप में विद्यमान है, यही गुणातीत होने का उपाय है। तो यहाँ पे तीन चीज बोला, ही अहम ब्रह्मनो प्रतिष्ठा, मैं ही उस हिरण्य गर्भ के भी प्रतिष्ठा मैं हूँ, अथवा ईश्वर तक उस मेरा स्वरूप है, अथवा सगुण साकार का अधिष्ठान निर्गुण निराकार मेरा परवर्ती स्वरूप है ना, क्योंकि ये माम शब्द ये अहम शब्द को ये ईश्वर में नहीं लगा, अहम शब्द हर आप भी अपने को अहम बोलते हो, मैं भी अपने को अहम बोलता हूँ, सभी अपने को अहम ही बोलते हैं, ये अस्मत मतलब ये हमारा प्रत्येक आत्मा को सब बोलते हैं, इस प्रत्येक आत्मा में इसका रूढ़ी है ये अहम शब्द। ब्रह्मन प्रतिष्ठा अव्यस्य अमृतस्य शाश्वत धर्मस्य च ऐकांतिकस्य सुखस्य च इति, इस प्रकार से क्यों क्या बोला कि जो मेरे को अभ्यभिचारी भक्ति योग से सेवन करते हैं वो गुणातीत होते हैं, क्यों क्योंकि मैं ब्रह्म का भी प्रतिष्ठा हूँ, वहाँ से गुण शुरू होते हैं, क्योंकि जो पहला सृष्टि का पहला जी वीरनगर है वो वहाँ उत्पत्ति वहाँ से गुण शुरू होते हैं, समस्त गुण का प्रतिष्ठा मैं हूँ जो निर्गुण हूँ। एक सेकेंड जो धर्माचरण करते हैं समस्त धर्म का शाश्वत धर्म का आश्रय भी मैं हूँ, और क्या है ऐकांतिक निर्दिशय ऐकांतिक सुख का आश्रय भी मैं हूँ, इस पर यही ब्रह्म का यही चिंतन बार बार करने से क्या होता है व्यक्ति धीरे धीरे गुणातीत हो जाता, मतलब गुण को शरीर जब तक है गुण की क्रिया होता रहेगा परंतु उसके साथ तादात्म्यता नहीं, उसके साथ तादात्म्यता नहीं होगी, ये इसका भी प्रयत्न है। तो यहाँ पे देखिए मधुसूदन सरस्वती क्या बोलते हैं, ब्रह्मणः तत्पद वाच्यस्य सोपाधिकस्य, देखिए तत्पद का वाच्यार्थ तो क्या है सोपाधिक चेतन, सोपाधिक चेतन तत्पद का वाच्यार्थ, और लक्ष्यार्थ क्या है निरुपाधिक चेतन, निरुपाधिक चेतन तत्पद वाच्यस्य सोपाधिकस्य जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतु हो, तो हेतु में कौन सा विभक्ति वचन होना चाहिए, प्रातिपदिक क्या है विभक्ति वचन क्या होगा, हेतु प्रातिपदिक है पंचमी नहीं, पहले पद देखो ना सोपाधिकस्य है ना, जैसे गुरु हो गुरु आपका पंचमी विभक्त है षष्ठी विभक्त है, सोपाधिकस्य उसी का विशेषण है, सोपाधिक का क्या काम करता है जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतु हो सोपाधिकस्य, जगत उत्पत्ति स्थिति लय का जो हेतु है उसका उसका जो सोपाधिक ब्रह्म है उसका प्रतिष्ठा मैं हूँ, पारमार्थिकम निर्विकल्पकम सच्चिदानंदात्मकम निरुपाधिकम तत्पद लक्ष्यम अहम, तभी तो तत्व मुझे एक होगा जब हमारा लक्ष्यार्थ तभी वही है तो मैं ही उसका प्रतिष्ठा हूँ, समझ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है तमपद का लक्ष्यार्थ भी तो वही है, तत्पद लक्ष्य को दिखाने का मतलब क्या है मैं आप ही हूँ, ये इसका मैंने अभिप्रेत अर्थ है, तात्पर्य का अर्थ यही है, तभी तो तत्व मुझे एक सिद्ध होगा, इसलिए आप बोलते हैं कि प्रतिष्ठा पारमार्थिकम निर्विकल्पकम सच्चिदानंदात्मकम निरुपाधिकम तत्पद लक्ष्यम अहम निर्विकल्पको वासुदेव वासयति इति वासुदेव, अथवा ठीक है भगवान वसुदेव के घर में आए हुए वासुदेव,
प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठति अत्र इति प्रतिष्ठा, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठ रूप में स्थित है, प्रतिष्ठति अत्र है ना, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठ रूप में स्थित है, प्रतिष्ठा बोलते हैं उसको। कल्पित रूप रहितम है ना, कौन प्रतिष्ठा कौन हो सकता है, जो उपाधि वाला रूप है वो प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है। इसलिए कल्पित रूप रहितम, उपाधि रहित जो रूप है, उपाधि कल्पित है, उपाधि दिखता है, उस रहित जो रूप है वो सबका एक ही है, कल्पित रूप अकल्पितम रूपम। अतः जो इसलिए इस कारण से जो इस प्रकार रूप से मेरे को चिंतन करता है, भगवान का सगुण साकार रूप भी है, भगवान का निर्गुण निर्गुण निराकार रूप भी है। आप जैसा जैसा चिंतन करो ऐसा ऐसा प्राप्त करोगे, तब सगुण साकार में गुणत्व रहेगा, सगुण साकार में गुण रहेगा। इसीलिए सगुण साकार जब राम हो चाहे कृष्ण शरीर हो, जब वही शुद्ध चेतन राम शरीर में भी हो चाहे कृष्ण शरीर में भी हो, उसमें तो गुण की क्रिया दिखाई पड़ते हैं, उनको रोते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्रोध होते भी दिखाई पड़ते हैं, आनंद करते भी दिखाई पड़ते हैं, वो शरीर की धर्म है, आत्मा की नहीं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अकल्पितम रूपम, अतः जो माम अनुपाधि का, इसलिए जो मेरे को उपाधि रहित जो व्यापक तत्व है ब्रह्म सेवते भजते, जो इस प्रकार से मेरा सेवन करता है, सब ब्रह्म भुआ है कल्पत, युक्ति संगत है। क्योंकि जैसा आप चिंतन करोगे, यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति इतः प्रत्यय तथा भवति, चांदक उपनिषद की बात कहिए, कि आप इस लोक में इस शरीर में जैसा जैसा चिंतन करोगे, इस शरीर को छोड़ करके आप उसी पद को प्राप्त करोगे। आप यदि निरुपाधिक निर्गुण निराकार निर्विशेष का अपना स्वरूप रूप में चिंतन करते हैं, आप उसी के साथ एक हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ये कहना युक्ति संगत है, गुणातीत होने का लक्षण ये कहना युक्ति संगत है कि भगवत को निरुपाधिक रूप से चिंतन करेंगे तो आप ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ये कहना युक्ति संगत है। जो माम अनुपाधिकम ब्रह्म सेवते, यहाँ पे ब्रह्म द्वितीय एक वचन है, सेवते सब ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए समर्थ बन जाता है। इति युक्तम अगर इसका लॉजिकल रूप से लेंगे, फिर कीदृशस्य ब्रह्मन प्रतिष्ठा, किस प्रकार के ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा हूँ, इति आकांक्षायाम कौन सा ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा हूँ, उसकी इस प्रकार इसकी जिज्ञासा होने पर विशेषणानि, उसके दो विशेषण दिया, अमृतस्य मतलब विनाश रहितस्य, अव्ययस्य मतलब विपरिणाम रहितस्य, है ना, जिसमें विनाश नहीं है कोई विपरिणाम नहीं है, इस प्रकार का जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का प्रतिष्ठा मैं, मतलब जब सगुण साकार तब आप पुरुषोत्तम तक भी जा सकते हैं। छह अक्षर से पीछे जो पुरुषोत्तम है वो सबका प्रतिष्ठा है, मतलब मैं उस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वेदांत की है जो भी कुछ चिंतन करो उसको अलग मत कर देना अपने से, यही तत्व तो यहाँ बैठा हुआ है, वही तत्व तो इतना यहाँ बैठ करके वही व्यापक तत्व पूर्ण है शुद्ध है। तो एक साथ आप अपनी व्यापकता भी देखो और अपने शरीर के व्यवहार को भी देखो, मन के अंदर एक कैपेसिटी है, एक छोटा बच्चा को कभी आप कोई चीज पूछो वो बच्चा बोलता भी रहेगा और अपना जो खेल रहे वो भी खेल रहा है, मतलब क्या है बोलने के लिए जो मेंटल कंसेंट्रेशन उसके प्रति वो भी है और खेल के प्रति हाथ पैर हिला रहे का भी कर रहा है। माइंड के अंदर एक कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है, आप अपनी स्वरूप भाव में स्थित रह करके भी शरीर व्यवहार को पूर्ण रूप से ले पाना, असुविधा नहीं है इसमें। आप बोले क्या कोई होना संभव है, 100% संभव। तो इसीलिए आप बोलते हैं कि अमृतस्य अविनाश विनाश रहितस्य अव्ययस्य विपरिणाम रहितस्य च शाश्वतस्य, वो धर्म को लिया अपक्षय रहितस्य च धर्मस्य, धर्म क्या है ज्ञान निष्ठा लक्षण धर्म प्राप्यस्य, धर्म प्राप्ति में सुखस्य परमानंद रूपस्य च, तो तीनों का प्रतिष्ठा मैं है ना, तो अथवा वही ब्रह्म वो धर्म भी है और वो सुख रूप भी है, ठीक है। ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म अमृत रूप है, ब्रह्म अव्यय है, ब्रह्म शाश्वत है, वो धर्म रूप भी है और मतलब अव्यय भी यानी सुख रूप भी है ना, ये ब्रह्म में सभी आता है। इसलिए ये सभी ब्रह्म का विशेषण कर दिया कहीं पुस्तक में, आप मतलब मैं अलग करके इसलिए बोला जैसा आपका भाव है, यदि निर्गुण निराकार को मन में नहीं धारण कर सकते, भक्ति भाव है, धर्माचरण करना चाहते हो, उस धर्म का भी तो प्रतिष्ठा वही ईश्वर है। आप सुख प्राप्ति करना चाहते हो, सुख भी तो का प्रतिष्ठा भी, अव्यभिचारी सुख का प्रतिष्ठा भी तो तुम ही हो, वो ईश्वर तत्व है। इसीलिए मेरे को जो अव्यभिचारी रूप से सेवन करते हैं वो गुणातीत हो जाते हैं, वो गुणातीत हो जाते हैं।
सुखस्य च एकादशो बोलते हैं विषय इंद्रिय संयोगजत संयोगजतम बारयति, ये जो सुख विषय इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होता है उसको निषेध करते हैं। क्यों कैसे बोलते हैं एकांतिकस्य अव्यभिचारिण, मतलब अव्यभिचारी जो सुख है वो सुख कैसे है, हम किसी देश में गए गर्मी के समय उत्तरकाशी में अच्छा लगता है, ठंड के समय नीचे गए तो अच्छा लगता है, परंतु वो सुखदायक होता है, परंतु एक ऐसा सुख नहीं, वो देश काल वस्तु निमित्त सुख नहीं है, वो इसको बोलते हैं सर्वस्मिन् देशे काले च चकार कहते हैं निमित्त विद्यमानस्य है ना एकांतिक सुख रूपस्य इति अर्थ, उसमें वो रहते हुए भी देश काल वस्तु में रहते वो जो जो अव्यभिचारी तत्व सुख है उन सुख का मैं प्रतिष्ठा हूँ, उस सुख का मैं प्रतिष्ठा हूँ, ये इसका विपरीत अर्थ है। एतादृशस्य ब्रह्मण यस्मात् अहम् वास्तवम स्वरूपम, इस प्रकार के ब्रह्म जो मेरा पारमार्थिक स्वरूप है तस्मात् मद भक्त संसारात् मुच्यते, इसलिए इस प्रकार की भगवान को चिंतन इस प्रकार के स्वरूप को चिंतन करते हैं वो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भक्तों देखो एक साथ दो शब्द प्रयोग किया, मत भक्त मतलब भगवान की भक्त, और भक्त क्या बोला प्रेम, मतलब इस प्रकार अपने स्वरूप में जिसका प्रेम है वो क्या होता है वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार मुच्यति भाव इसका अंदर भाव है। अब मक्षति जो है दो अलग अलग जगह पे उद्धृत करते हैं, यहाँ पे एक तो हो जाएगा तथा च उक्तम ब्रह्मणा भगवंतम श्री कृष्णम प्रति, इसी प्रकार से ये भागवत में होगा शायद ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति ऐसा कहा गया, क्या कहा गया, एकस्तमात्मा पुरुषा पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंत आद्य नित्यक्षरजस्त शोक निरंजन पुनः पूर्णाद्य मुक्त उपहित अमृत, एकस्तमात्मा पुरुषा पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंत आद्य नित्यक्षर जस्य सुख निरंजन पूर्ण अद्यो मुक्त उपाधि अमृत। भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं एक तुम ही हो है ना, तुम पुरुष मत पूर्णत्वात् पुरुष पुरुष एनात् पुरुष, एक तुम ही जो है आप सभी के अंदर आत्म रूप में विद्यमान हो, पुरुष पुराण हो मतलब अनादिकाल से एक ही रूप में आ रहे हो, एक ही रूप में आ रहे हो पुराण, फिर सत्य तुम ही पारमार्थिक सत्य हो, स्वयं ज्योति तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम अनंत हो और तुम आद्य हो, तुम इस सृष्टि के आदि तत्व हो, इतना होते हुए भी तुम नित्य हो, तुम क्षय से रहित हो, तुम अदस्त सुख हो, तुम अनंत सुख के आधार हो, निरंजन तुम्हारे अंदर कोई कलमश नहीं है, तुम पूर्ण हो, भेद रहित हो, मुक्त हो, उपाधित हो, मुक्त उपाधित हो, समस्त उपाधि से तुम मुक्त हो, तुम अमृत हो, इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को वर्णन करते हैं है ना, ये तुम्हारी स्वरूप है, इसलिए इस भगवान इस भगवान के इस स्वरूप को जो चिंतन करेगा वो भी इस भाव को प्राप्त करेगा, इस भाव को प्राप्त करें, इसलिए एकस्तमात्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योति अनंत आद्य है ना, क्योंकि पुलिंग का भी शब्द प्रयोग किया, मतलब भगवान को लेकर ईश्वर को लेकर शब्द बोल रहे हैं, नित्य अक्षर अदस्त सुख तुम नित्य हो, तुम्हारे अंदर कोई क्षय नहीं है, क्षरण नहीं है, तुम अनंत सुख रूप हो, तुम्हारे अंदर कोई कलमश नहीं है, तुम पूर्ण हो, अद्वय हो, तुम उपाधि तो मुक्त हो, समस्त उपाधि से रूप रहित हो, अमृत में तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए सो अमृतत्व कल्पते भगवान की इस स्वरूप को जो चिंतन करता है वो अमृतमय भाव को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है आने ही रखते हैं, थोड़ा सा और है परंतु इसमें कई चीज़ हमको लगता है कि हो जाएगी परंतु होता नहीं है, क्योंकि कई छोटा छोटा चीज यहाँ पे ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं जो विचार की अपेक्षा करते हैं, मतलब उससे क्या होता है विचार करने से हमको क्या करना है वो हमको स्पष्ट हो जाता है, हमको क्या करना है हमको स्पष्ट हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
श्री विभूषित करान नवनीरदाहा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुष्टान पूर्णेन्दु सुंदर मुखान अरविंद्र नेत्रान कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री